पिछले कुछ दिनों से पाम ऑयल के आयात पर टैक्स को लेकर खबरें तेज होती दिखाई दे रही हैं। दरअसल स्टोरियों द्वारा चलाई जा रही पाम तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की अफवाहों के चलते खाद्य तेल की कीमतों में एक तरफ तेजी का माहौल भी देखने को मिला था। वहीं सरकार ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया है कि बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए पाम तेल के इंपोर्ट पर फिलहाल कोई ड्यूटी नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके चलते शुक्रवार को प्लांटों की बिकवाली बढ़ने के कारण सोया तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। आपको बता दें कि सोया तेल इंदौर में 10 रुपये टूटकर 1310 से 15 रुपये प्रति 10 किलो पर पहुंच गया। हालांकि अच्छी डिमांड और पाइपलाइन खाली होने के कारण तेलों में लंबी मंदी की स्थिति नहीं दिखाई दे रही, पर अभी फिलहाल में बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। मूंगफली तेल की आवक गुजरात तरफ से लगातार बढ़ने के चलते मूंगफली तेल की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली। वहीं मूंगफली तेल की कीमतें भी शुक्रवार को इंदौर की मंडियों में 10 रुपये टूटकर 1620 से 1640 रुपये प्रति 10 किलो पर रह गई। दूसरी ओर व्यापारी मंडी में सोयाबीन 5000 से 5100, एवरेज सोयाबीन 4200 से 4700 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ये पाम तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी की अफवाहों के चलते कीमतों में जो तेजी देखने को मिली थी, फिलहाल वो थमती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।